न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है मेनस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मेनस न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ प्राची। दुनिया के हर मुसलमान का सपना होता है कि वह अपने जिंदगी में कम से कम एक बार हज कर ले, लेकिन चोरों की नज़र इतनी शातिर होती है कि वह हज पर आए लोगों को भी नहीं छोड़ते। भारत से हज करने के लिए सऊदी अरब जाना होता है, जहाँ पवित्र स्थान मक्का और मदीना है। हज करने के लिए 45 दिन लगते हैं। हज के पूरे अरकान 45 दिनों में पूरे किए जाते हैं। हज के अरकान पूरे होने पर वापस अपने भारत और आते हैं। हाजी लोग सऊदी में कुछ खरीदी भी करते हैं, जैसे खजूर, जहां नमाज व इत्यादि चीज खरीदी करते हैं। सभी हाजी वापस आते समय एक दिन पहले अपना लगेज सऊदी अरब एयरपोर्ट पर जमा करवा देते हैं। कल सोमवार को दूसरी फ्लाइट नागपुर पहुंची। देखा गया कि 20 से 25 सूटकेस की चैन खुली हुई मिली और बैग फटे हुए मिले। हाजी के ऐसे कई सामान गायब मिले और बैग फटे हुए भी मिले। बैग में रखे खजूर, जमजम का पानी, मुस्लान व खाने पीने का सामान गायब नजर आया। अब हाजियों ने अपना सामान नागपुर एयरपोर्ट से सामान को लेना चाहा, तब यह पोल खुली। इसी को देखते हुए हाजियों को लेने आए अपने के रिश्तेदार वॉलंटियर्स ने वीडियो बनाया और साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। MIM के जावेद अख्तर शहीद रघुनवाला ने इसकी जानकारी दी। आइए देखते हैं रियाज शेख की खास रिपोर्ट में। अभी हम ये नागपुर एयरपोर्ट पे जो हाजियों का आज दूसरा जत्था आया है, उसके अंदर अभी आखिरी में ये देखा गया है कि जो 5 से 6 हाजी है जो यहाँ पर अभी आखिरी में बने हुए हैं, ये उनके बड़े बड़े बैग है जो अंदर से पूरे खाली है, ये ऐसे हम उठा सकते हैं उसको। ये बैग भरा बैग आया था और उसके बाद में ये जो है बैग खुला हुआ है और ये पूरा देखिए एक उंगली से उठा सकते है। इसके पूरे सामान खाली हो गए है। ये लॉक वैसी है, चैन खोल के पूरा निकाल लिया गया। पूरा बैग खाली है, मेरे कपड़े भी निकाल लिए, जमजम भी निकाल लिए और मेरे मुसल्ले भी निकाल लिए, खजूर भी निकाल लिए और जो सामान था वो भी निकाल लिए। जैसे आप देख सकते हैं कि ये पूरे बैग खाली है, सिर्फ हम 1 किलो के भी बचे नहीं है। ये बैग पूरे आप आके उठा सकते हैं। आपका नाम क्या है? कहाँ से आप? अभी हम सऊदी एयरलाइन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इनका जो नुकसान हुआ है वो आप जल्द से जल्द कंप्लेंट ले और वो करके दे। और ये जो मामला है ये जो है ये मदीना एयरपोर्ट का है। मदीना एयरपोर्ट इन्होंने जो लगेज है वो सही। जी जैसे आप देख सकते हैं ये अमरावती के अचंत आगे हाजी भी निकल गया खाली है। कहा से हम उठा सकते हैं? इनके तीनों बैग ये जो है खुले हुए हैं। हेलो, और एक बैग नहीं, क्या क्या लाए थे आपने बताओ उसके अंदर? मसाला लाए थे हमने, एक भी मसाला नहीं है। 10,000 रुपए भी उसमें इंडिया के लिए तो वो भी नहीं है। बाकी का सामान चेक करे क्या आपने? हाँ देख ली हमने, नहीं है। पूरे खुले कपड़े तो आपने जमजम भी रखे थे कि इसमें पानी रखे थे क्या? एक बैग में थे बस, एक बैग में थे तो 3 बैग थे, 4 बैग खोले उसमें से खजूर भी गायब हो गया। अलग से बच्चा था ना, कंप्लेंट लिखा रहे हैं अभी। बच्चों के कपड़े भी निकाल लिए हैं, तस्बीह भी निकाल लिए हैं, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, कंप्लेंट लिखा रहे हैं अभी, इंशाल्लाह देखते हैं एयरलाइंस के लिए क्या क्या करना है। मैं बोला इनके नंबर लिख लीजिए, खोलो जब थे क्या क्या था इसमें बताओ? पेड़ खजूर थी उसमें। क्या क्या था? पेड़ खजूर, जान नवाज, झब्बे थे बच्चों के लिए थे तो, और खिलौने थे बच्चों। ये पूरा बैग खुला हुआ है और क्या क्या था? खजूर, जमजम, जमजम 2-4 बोतल रखे थे, बीमार है, कैंसर की बीमारी वाले बोले भाई हमके लिए पानी लाना, ये देखिए ये भी पूरा बैग पूरा खाली है, पूरा खाली, ये भी बैग पूरा खाली है, ये भी बैग खुला हुआ है, ये भी बैग खाली है। हाजी साहब है, अभी यहाँ पे ये हुआ है कि कई हाजी साहब जो आखिरी में रुके हुए हैं उनके कई सारे बैग जो है वो गायब है। ये भी हाजी साहब, आप नाम बताओ अपना। हाजी साहब तस्लीम खान, उस्मान खान। हाँ, क्या हुआ आपके साथ? मेरे चारों बैग फूट गए। हाँ, इसमें से 4 ड्रेस गए। हाँ, सिलाने के लिए ले वाले कंपनी के। हाँ, और उसके बाद में 7 किलो खजूर गई। 7 किलो खजूर गई। उसके बाद में डब्बे के 2 प्याक डब्बे के खजूर रखे थे वो भी गए, वो भी चले गए। ये चोरी करना क्या है? ठीक है, आपको क्या हुआ? अज्जैन साथ में ही है आप इनके? ऐसे बहुत सारे हाजी साहब है जो आखिरी में अभी रुके हुए हैं,
जिनके बैग जो है 10 से 15 बैग जो है वो खाली पड़े हैं। इसके अंदर ये देखिए पूरा खाली बैग है ये भी, और इसके नीचे वाला भी पूरा खाली है। ये एयर सऊदी एयरलाइंस जो है ये क्या कर रही है जिनके लिए मैंने, ये देखिए ये बैग पूरे खुले हुए हैं, ये भी खुला हुआ है। तो ये सऊदी एयरलाइंस कर रही क्या है? हाँ देख लिया, इनका क्लेम अभी बना नहीं है, क्लेम बनाना है। और इनकी जो है सऊदी एयरलाइंस से हम गुजारिश करते हैं कि इनका जो भी नुकसान हुआ है वो भर के दे। भरा लिया वो भी। ये है MNS News Network और आप देख रहे हैं MNS News।